जी सर, जस्ट मिनट सर, आपका नाम क्या है और क्या इंसिडेंट हुआ? सर मेरा नाम शबीर अहमद शाह है, मैं एक्चुअली दूसरे गांव का है। हमारा एक मिनट का रास्ता है अपने गांव का हाजीपुरा से, ये छोटी गांव है। तो फायरों की आवाज़ हमने जब सुनी है, तो हमने फायरों की आवाज़ सुनते क्या हुआ भाई, पंडितों पे अटैक हुआ है। तो हम भी दौड़ के आए हैं, दौड़ के हमने देखा है तो दोनों भाइयों की गोली लगी हुई थी। एक तो इंजर्ड है जिसको इसी गाँव के लोगों ने शोपियां ले लिया, और इसको जब देखा है तो ये बेचारा डेथ हुआ था मौके पर ही। तो इसको हमने चार पांच जवानों ने फिर उठा के उधर से लिया, मेरे कपड़े पूरे गंदे खून से लथपथ थे, तो फिर मैंने चेंज किया था। और उधर से जब इसको इनके हवाले के दिया, ये कह रहे हैं ये क्या हुआ भाई, इनके तो मान लो पहाड़ टूट गई है, आसमान टूट गया, वो तो टूटना ही है कि तीन भाई है, तीनों में दो ख़त्म। अभी मान लो अगर वो सीरी तो चलो इंजर्ड बच भी जाएगा, तो मेरे तरफ से वो भी मरा हुआ है इस टाइम। उससे पहले भी एक्सीडेंट हुआ यहाँ पर, और ये ऐसे कभी कुधर कभी किधर कभी किधर कभी किधर, इससे पूरा कश्मीर बदनाम होता जाता है। अब कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, तो हर बार यही कह रहा है नामालूम, ये कभी मालूम होगा नहीं, कयामत तक ये मालूम नहीं होगा, ये नामालूम बंदूक बरदा। तो कितनी बड़ी दुख की बात है, ये इतनी बड़ी दुख की बात है। अगर वो वहाँ पे मरा हुआ है तो हम यहाँ पे मरे हुए हैं, हम खड़े खड़े मरे हुए हैं, ये हमारा दिल जानता है। अगर ये मान लो अगर चेर के दिखाएंगे तो पता लग जाता है, वो वहाँ पे मरा हुआ हम यहाँ पे मरे हुए हैं। जब जैसे यहाँ पे कोई पंडित नहीं है, सभी मुसलमान है, सभी इस दुख में शामिल है। और मैं यही कह रहा हूँ कि कश्मीर इसे बदनाम, कश्मीर को बदनाम कर रहा है, जो भी कर रहा है कश्मीरियत को बदनाम कर रहा है, जो कश्मीरियत पूरी वर्ल्ड में एक माना जाता है। और मैं इस ऐसे आदमी को कहता है कि आप हमको इस तरह मत मारो, हमको एक बार मारो बहुत अच्छा रहेगा, इसके लिए हम उसके लिए दुआई देंगे, जो हमको ऐसा करेगा ऐसा इनाम देगा, एक बार मारेगा हमारे लिए इनाम होगा। वो छोटी गांव हूँ मैं, मोहम्मद अशरफ लोगों ने मेरा नाम। कौन सा मुख्तसर आपको तंग नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ अजनबी है, ये गांव कौन सा है, कौन मारा गया है, किस तरह की फैमिली है यहाँ पर थी, ये वाकया कब मारा हो गया है? सनील कुमार भट है उसका नाम, बलद सीजू भट, ये तो मारा गया है, और उसका भाई पीतम्बर भट सनाफ अर्जन नाथ भट, वो तो जख्मी हो गए। बाग में सवेरे गए हैं ये जानवर लेके, गाय वगैरह लेके, और वहाँ पे ये मसला हुआ है। बाद में वो ज़ख्मी ही यहाँ पे आया, तो उसी ने बताया कि हमें यहाँ पे ये मसला हुआ, तो गांव के कुछ लोग आए हैं जिन्होंने उसको अस्पताल पहुँचाया। इसका मतलब खेती बाड़ी के साथ? हाँ, खेती बाड़ी के लिए गए हैं वहाँ पे। तो यहाँ पर दो तीन महीने पहले भी एक मसला हुआ है, उस टाइम भी इसी तरह हुआ है, फिर उनको गारत भी यहाँ पर है, तो आज ये बाग में गए हैं, तो ये मसला पेश। ऐसे नंबरदार आप क्या समझते हैं, आपके गांव के लिए भी दुख की बात है? ये तो दुख की बात है, खुशी की बात नहीं है, ये ज़बरदस्त अफसोस की बात है। भाईचारा खत्म, भाईचारा इससे खत्म होता है, बदनाम होते हैं। वरना ये हमारे घर इस तरह तमाम जो गांव है हमारा 150 किले पे है मुश्तमिल, ये हर घर जाते हैं, और वो घर वाले भी सारे यहाँ आते हैं। पहले से ही रहते हैं और इन 30 सालों में भी ये इधर उधर नहीं गए। इससे पहले भी कुछ वाक़ा हुआ है इस फैमिली के साथ? नहीं, इस फैमिली के साथ नहीं है, दूसरी फैमिली है, उनको भी एक लड़की को 2 महीने पहले ऐसा मांगा। अच्छा, अब ये जो आखिरी रसूमत है आप पूरी करेंगे? बिल्कुल, हमारा गाँव है, इस टाइम सारे लगे हैं लकड़ी काटने में, और उन्हीं के इसी सदम में यहाँ अंतिम संस्कार। कितने घर वाले थे सर यहाँ से पहले? यहाँ पे तो 150 चला है। नहीं सर, पंडित लोग कितने थे? पंडित लोग हैं इस मकान में, 2 फैमिली और एक उसके पीछे। सर इससे पहले कुछ लोग थे यहाँ पे जो चले गए यहाँ से? इससे पहले थे यहाँ पे कुछ लोग, मतलब पंडित लोग से पहले? हाँ, पंडित लोग कुछ है यहाँ पे, वो तो नबी में गए हैं, बाकी ये बिल्कुल सेफ है, और यहाँ पे यहाँ ही पे रहेंगे। चलो सर।